हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर शीट नंबर वन पे अगर हम जाते हैं तो शीट नंबर वन पर आते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक हम देखिए इस फॉर्मूले में अगर मैं इस रामू लिखा हुआ है और इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा ड्रैग करवा रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ तो जो भी नाम है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है रामू, यहाँ पर राज है, यहाँ पर रमेश है, तो हमें यहाँ पे राज, रमेश, सचिन, जावेद, ये सारे फर्स्ट नेम ही मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा केवल और केवल फर्स्ट नेम आ रहा है, ठीक है, लास्ट नेम हमें ये नहीं दिखा रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ, ऐसा एक वीडियो मैंने गूगल शीट के लिए बनाया था, बिल्कुल हो सकता है, कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो शीट नंबर टू पर सेम डेटा मैं ले लेता हूं। यहां पर एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जो कि हम गूगल शीट में भी अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और ये जो आपका रिकॉर्ड है वो कहां पर है, ये है B2 में, तो B2 यहां आप लिख सकते हैं हाथ से या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है वो चीज हमें बतानी है, तो यहाँ पे फाइंड लिख करके और यहाँ पर एक बार गैप दे देंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देकर के यहाँ पर भी हमें B2 लिख देना होगा और B2 लिखने के बाद यहाँ पे कर दीजिए -1, बस -1 करके ब्रैकेट को बंद कीजिए, एंटर करिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे रामू आ चुका है। अब इस पर डबल क्लिक अगर आप करते हैं या फिर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ RAJ राज, रामू पहले से लिखा हुआ आ रहा है, राज लिख दिया, अब यहाँ पे लिखता हूँ रमेश RA, तो जैसे ही RA लिखा मैंने तो नीचे आप देखेंगे कि ये फिल हैंडल, इनेबल फिल हैंडल एक्टिवेट है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें नीचे आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारे नाम आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट नेम निकल करके आ गया, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।